हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज हम हैं गवाला में। फर्स्ट मॉर्निंग कल पहुंच गए थे और हमारी बैल्कनी से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इट्स एक्सेलेंट प्रॉपर्टी एंड इट्स रिवर साइड होटल 5 स्टार। और यहां पर हम आज और स्टे करने वाले हैं, फिर कल वापस हम लोग थर्ड डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। सो वेलकम बाकू, हम लोग घूम रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए, गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। सो आज हम बहुत सारी एक्टिविटी करने वाले हैं बाकू में। ये वीडियो एंड तक देखिएगा कि आप अगर गबाला आते हैं तो एक दिन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और क्या क्या यहाँ पर करने की चीज़ें हैं। पहले तो मैं अपना एक्सेलेंट व्यू दिखा दूँ बालकनी से, इतना सुंदर व्यू है। जी आप मर्सिडीज देख रहे हो तो हमारे ही होटल में कोई मिनिस्टर्स यहाँ के आकर रुके हुए हैं। और ये देखिए कलर्स ऑफ कितना सुंदर लग रहा है ये सब चीज़ें। ये देखिए कितने प्यारे कलर्स आने वाले और टाइम पर और भी सुंदर हो जाएंगे ये। सो एंड मैं अगर थोड़ा जूम करूँ और आपको ये स्लोप दिख रहा होगा ये। सो दिस इज़ अ, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर स्कीइंग होती है। और इसी के बगल में अगर आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा जो ट्रॉली का रोप ऊपर जा रहा है। सो हमें ये ट्रॉली भी हमारी बालकनी में दिख रही है। और ये देखिए माउंटेन, अब तो बर्फ मेल्ट हो गई है, स्नो, बट अभी स्टिल मेरे सामने अभी बिल्कुल सूरज देवता प्रकट हुए हैं और बिल्कुल लाइट बर्फ पर गिरी है। सो लुक एट गाइस, इट्स सो ब्यूटिफुल। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये ऐसे पूरा। एंड इन माउंटेन में भी हल्की हल्की बर्फ़ है, आई थिंक आपको दिख रही होगी, बट टॉप में है, बट एक्सीलेंट। ऑफकोर्स अपने आंखों से दिख रहा है, जितना हम आंखों से देखते हैं ना उतना कैमरा जस्टिफाइड नहीं करता है, मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ। बट एनी हाउ अपना आज का दिन खूबसूरत से स्टार्ट करते हैं। हम रेडी हो चुके हैं, अब हम पहले तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आज की पूरी जर्नी दिखाते हैं। एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ, जब मैं आई थी ना बाकू से यहाँ पर, इतनी सुंदर ब्यूटी थी। और मेरे ख्याल से सीज़न के हिसाब से चेंज होती रहती है, जब अभी स्नो मेल्ट हुई है, ये ट्रीज़ वेकअप हुए हैं तो वेकअप टाइम है इनका, फूल अभी बिल्कुल कलियाँ खिल रही होंगी और एक दो महीने के बाद ये भयंकर सुंदर लगने वाला है। लेकिन स्टिल अभी भी कहते हैं ना हर सीज़न एक खूबसूरत होता है, अब कुछ आंखें भी खूबसूरत होनी चाहिए। तो इट्स अ टोटली वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। बट और कल मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने डाला था कि मैं डिनर करने गई थी। ओहो इट्स एक्सीलेंट, एंड खाना तो इतना फेबुलस था, बहुत ही बढ़िया। और मतलब और प्लेस तो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था। अलग 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 कॉटेज बने थे, जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा अलग अलग कॉटेज बने हुए थे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं तो हमारा टाइम अप हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। वंस मोर लुक एट दिस, देखिए ट्रॉली चालू हो गई है और हम ब्रेकफास्ट कर कर आ गए हैं। और भी खूबसूरत हो गया जैसे कि सन निकला है ना, ये देखिए।
बर्फ के माउंटेन दिख रहे हैं एंड सो गाइस अब हम निकल गए टूर के लिए, वी आर रेडी एब्सोल्युटली। और सुंदरता की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आपकी आंखों में होती है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल। जैसे जैसे मैं माउंटेन के पास जा रही हूँ वो और मेरे को कह रहा है प्लीज कम कम, देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना बर्फ वहाँ पर है। तो और हम जा रहे हैं गंडोला बट अ केबल कार, देन उसके बाद आई थिंक लेक एंड देन उसके बाद जो जो होगा, जस्ट मेरे साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पर हम और जगह भी घूमने वाले हैं, सो जस्ट स्टार्ट दिस सेकेंड डे ऑफ बाकू, लेट्स गो। लुक एट द व्यू, ये देखिए सो गाइज अब हम आ गए हैं केबल कार राइड में, और मैं आपको थोड़ा सा मैप समझाऊं तो आपको आई थिंक आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज़ अ मैप, और अगर आपको यहाँ से इधर एंड इधर जाना है इसके एक्स्ट्रा चार्ज हैं, और इधर से इधर एंड देन ऊपर माउंटेन लुक एट देयर, तो इसके अलग चार्ज हैं। और अगर आपने टोटल करना है तो दैट्स अ पैकेज। सो आप पहले इधर से इधर जाएं, फिर इधर जाएं, और या फिर ऐसे जाकर ऐसे जाएं, सो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा करना है। तो दिस इज़ अ 5-स्टार होटल यहाँ पर, इसके बिल्कुल रिजॉर्ट में लगता है। एंड देखिए एक ये वाली जा रही है और एक उधर जा रही है, सो लेट्स गो। जैसे हम लोग अभी ऑफ सीजन मतलब आइस नहीं है तो हम आए हैं, सो अभी आपको उधर ऊपर माउंटेन में स्नो मिलेगा एंड अदरवाइज यहाँ पर पूरा स्कीइंग भी होता है। अगर आप अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आएंगे तो आपको यहाँ पर स्कीइंग मिलेगा, अदरवाइज अब सारी बर्फ हट चुकी है। हाँ मे बी हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ हमें स्नो मिल सकता है। सो थोड़ा कीचड़ भी हो रहा है, मुझे नीचे देखकर भी चलना पड़ रहा है, और ये देखिए। सो कहीं पर इसको बोलते हैं केबल कार, किसी को इसको कंडोला बोलते हैं। Look at this. And ये देखिए। So अभी जैसे मैंने आपको बताया आई थिंक वन राइड लेते हैं इस 19 मन्नत, और अगर आप बोथ लेते हैं तो पैकेज है इसे 23 पर पर्सन, सो इट्स मच बेटर कि दो तीन मन्नत ज़्यादा देकर आप दोनों राइड कर लो, सो इट्स मच बेटर। बट मैंने देखा है बहुत ज़्यादातर लोग ये वाली राइड ले रहे हैं। पैलेस के अंदर वी आर ओनली 3 इज हियर, और यहाँ पर ये लेक भी है छोटी सी, सारी ट्रॉलियाँ सिर्फ हमारे लिए ही चल रही है, कोई भी नहीं है, ना आने वाला ना जाने वाला, सिर्फ हम ही हैं। अब हमें माउंटेन दिखने शुरू हो गए हैं स्नो के, वाह ब्यूटीफुल, पहुंच गए। सो हम पहुंच गए, लुक एट द व्यू, बड़े बड़े पिनार के पेड़ जो अपने मसूरी उधर भी मिलते हैं, एंड दिस इज गबाला प्रो लाइन केबल लाइन बेसिकली। और अभी स्पेशल सिर्फ हमारे लिए खुला है, इतना मतलब जीरो टूरिस्ट है या क्राउड है, एंड यहाँ से आई थिंक पूरा गबाला का व्यू दिखता है। ये मैं जूम करूँ, ये देखिए पूरा गबाला सिटी दिख रहा है, और इनसे हमारा होटल भी दिख रहा है, स्पॉटिंग दिस वन, इधर ये रहा हमारा होटल। तो हम अपने होटल से यही वाली केबल कार देख रहे थे, सो दिस इज होल व्यू, ये देखिए। वाह
ओ वाओ, तो पूरा सिटी ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत दिखा नहीं, तो अब हम गंडोला लेके नीचे, केबल कार लेके नीचे जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता। नहीं तो आई थिंक वो वाला सबसे ऊपर जो दूसरा वाला है वो ज़्यादा डेस्टिनेशन बढ़िया है। जो हार्ट के पेशेंट हैं कृपया करके उनको एडवाइज है कि अपनी आंख बंद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल एकदम स्टेट है ये। ओ माय गॉड, हमेशा जब हम नीचे देखते तो हमें घबराहट होती है ना, चाहे हम जिंदगी में देखें चाहे कैसे भी देखें, तुम जब आप बिल्कुल डाउन देखते हो कि धड़म से गिरने वाले पहाड़ से, तो कितना डर लगता है। ऐसे ही इस समय फील हो रहा है उसके, मतलब एकदम ये देखिए बिल्कुल खड़ी ऊपर तक थी, एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल नीचे करके जाएगी, और फिर उसके बाद थोड़ा आई थिंक स्टेबल है जो मुझे दिख रहा है। ओहो, बट यहाँ पर सब जगह स्नो पड़ी होती है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि तुम ड्रम से बिल्कुल नीचे आ रही है उस ऊपर से यहाँ पर ट्रॉली। आई थिंक ये यहाँ पर देखो ऐसे इन्होंने स्टेप बना रखा है, तो पानी जा रहा है। ब्यूटीफुल लग रहा है कितना ये ऐसे स्टेप। पहुंच गए हम। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। ये वो ही तो नहीं है जहाँ हम कल खाना खाने आए थे? नहीं, कितना छोटा सा बना रखा है। हम ऊपर से वहां पीक से नीचे आ गए हैं, और ये देखिए कितने हरे हरे ट्रीज। ये रशियन, यहाँ इसको लाडा नहीं बोलते, इसको यहाँ रशियन कार बोलते हैं। तो कल हमको इसी में एक बंदे ने लिफ्ट दी थी जब बारिश हो गई थी, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखो। और यहाँ पर क्या है, ये वाला फ्रंट शीशा नॉर्मल है और ये वाला काला कर रखा है। सो आई थिंक पीछे जो रशियंस वुमेन सुंदर बैठी होती होंगी तो उनको कोई देख ना ले, इस कारण ऐसा बनता होगा ये कार। एंड ये हमारा होटल। तो बेसिकली हम पहले ऊपर गए फिर नीचे उतरे, और ये देखिए ये इनके छोटे छोटे कॉटेजेस हैं इधर बने हुए, अगर आपको दिख रहे होंगे तो आप ये भी, सेल्फ फैमिली बड़ी है तो ये भी ले सकते हैं। सो इन लोग के ट्रॉली के बारे में बताऊं, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ओल्ड है, जंग लगा, बिल्कुल पेंट सीट एकदम परफेक्ट। इवन जो हमको पिलर्स भी दिखे ना, मतलब हम जब आते हैं तो कहीं ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ क्या चीज़ है, एकदम पिलर्स एकदम साफ सुथरे बढ़िया। एक्चुअली में क्या होता है, हम कहीं भी घूमते हैं कहीं करते हैं तो हमेशा अपनी कंट्री से कंपेयर करते हैं कि हमारी कंट्री कितनी कहाँ पर आगे और कितनी दूर है। सो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, तो हम हर जगह कंपेरिजन करते हैं, चाहे वो करेंसी का हो, लोगों का हो, गंदगी का हो। बट हाँ, यहाँ पर एक तो देखिए लोग कम है उसका भी फ़र्क है, बट यहाँ लोग बिन्स और उसका बहुत प्रॉपर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ अवर होटल, ये देखिए, और जस्ट उसके नेक्स्ट है। बट हम लोग क्या हुआ, पहले ऊपर गए फिर हम इधर आए। चलो हम चलते हैं ऊपर वापस, लेट्स गो। अब हम आ गए सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड हमने कंप्लीट कर दिया, दिखाया नहीं वही सेम रूट, कोई फ़ायदा नहीं था ना। हमारी ट्रॉली आ गई, हम जा रहे हैं वहाँ ऊपर। छोटा सा विलेज भी है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर रुक के विलेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो ऊपर। ये देखिए माउंटेन, यहाँ से सेकंड रोप लेंगे जहाँ ऊपर माउंटेन में आई होप हमें बर्फ मिलेगी। असल ऊपर की आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा किधर को जा रहा है। एंड यहाँ पर ये स्कीम होती होगी इस तरह,
और ये देखिए यहाँ से विलेज का व्यू, और एक भी मुझे अभी तक बंदा नहीं दिखा इस विलेज में कि कोई वॉक कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। तो फाइनली वी रीच टॉपेस्ट एयर केबल इनकी, और थोड़ा नीचे जाकर देखते हैं। लुक एट गाइस, क्या यहाँ पर थोड़ी स्नो है अभी, एंड ये ऐसे व्यू। एंड वेदर इज परफेक्ट, मैंने अपनी जैकेट भी खोल ली है, एंड बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट व्यू आ रहा है और परफेक्ट वेदर हो रहा है। वाओ, तो हमें थोड़ी सी स्नो मिली है, और ये देखिए कितने अभी भी माउंटेन। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। आई थिंक ये सब सारा जो स्लोप है सब स्कीइंग के लिए होगा, ये इस तरह। मैं पूरा बर्फ में चलने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ी सी बर्फ बाकी है। लुक एट गाइस, और बस इतनी सी बर्फ है। मेक अ स्नो, 3, 1, 2। बहुत ठंडी हो रहा है, बट बहुत मजा आ रहा है। बहुत हार्ड भी हो गई है बर्फ, कहीं कहीं सॉफ्ट है बट कहीं कहीं बहुत ज्यादा हार्ड है कि हाथ में भी नहीं ली जा रही है। ब्यूटीफुल। और अगर मैं गिर गई ना तो मेरा अच्छा वाला वीडियो बनने वाला है। सिर्फ यहीं पर छोटी सी एरिया में ही ये लीफ ऐसे घूम रही हैं। हाँ, यहाँ पर स्विंग भी होता है बट ये अभी क्लोज पड़ा है। यहाँ से और भी माउंटेन्स दिख रहे हैं, और पूरा गबाला सिटी दिख रहा है। ये देखिए, लुक एट द व्यू, यहाँ से और भी सुंदर दिख रहा है। और हमारे साहब देखिए कहाँ चले गए हैं, देर मच जा, कैसे क्लाउड आ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए एकदम वेदर परफेक्ट है, मतलब जैकेट की भी जरूरत नहीं है, बट मैंने पहन रखी है, बट वैसे जरूरत नहीं है। अरे वापस आ जाओ इकलौते पति, फोटो की। हम कहाँ। अभी हम नेक्स्ट अपने स्टॉप पे आ गए हैं। दिस इज द लेक, इट्स लुक लाइक दिस।
ये देखिए सब ब्यूटीफुल, और ऐसे ही पूरा। और अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं, बैठ गए हैं बोट में और हम खुद ही ड्राइवर हैं। हमारे ये दो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, बोट चला रहे हैं, और ये जो मार्क बने हैं बैलून्स के, बस इसी के पास रखना है, बाकी नहीं। और मैं आराम से चिल करते हुए आराम से वीडियो बनाएंगे हम बैठ कर। तो ये ऐसे पूरा, और वो कह रहा है कि लेक काफ़ी बड़ी है बट उसके उस तरफ में जाना है वो ज़्यादा डीप है, और इसके इधर ही रखना है, तो कह रहा है बस नी तक ही पानी आएगा, यूँ ही कह रहा है, बाकी रिस्क नहीं लेना है। और वो देखिए कितने सुंदर क्लाउड, सुपर। ये ऐसे आप यहाँ बैठकर रोमांटिक कर सकते हो लंच डिनर, या सिर्फ चाय पी सकते हो। ये देखिए तो यहाँ पर आप खींच कर फोटो खींचो। सो हम अब लंच करने इस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में आए हैं, और इसका सिटिंग अरेंजमेंट तो बहुत ही गजब का है, ब्यूटीफुल लेक के किनारे। लेट्स सी। वी टेक अ लंच इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, प्राइवेट मिडिल ऑन द लेक, एंड दिस इज वी। तो गाइस हम थर्ड डेस्टिनेशन वाटरफॉल में आए हैं, वाटरफॉल देखने चलिए चलते हैं। माता की चढ़ाई लग रही है ऊपर खाने के बाद, तो सच्ची में वैष्णो देवी की चढ़ाई याद आ गई इसको देखकर। चलो लेकिन करना है तो लेट्स गो। तो यहाँ पर हर किसी की हालत ख़राब हो रही है, पूरा ऐसे चढ़ाई है माता वैष्णो देवी की, ऊपर तक जाना है पता नहीं कहाँ तक, एक वाटरफॉल आ रहा है। आई एम टायर्ड। दिस इज़ द सेकेंड स्टॉप अब द वाटरफॉल, और अभी इसके ऊपर इधर देख रहे हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ भी स्टॉप हो सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। और मेरी फैमिली देखो ढूँढे, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं ये लोग। ओह माय गॉड, फाइनली वी रीच हियर, एंड दिस इज अ प्लेस एंड दिस इज अ वाटरफॉल। ये देखिए ऊपर कहीं से आ रहा है, बट दिस इज़ द लास्ट एरिया जहाँ आप मतलब ये ट्रैकिंग करके आप यहाँ आ सकते हो। एंड लुक एट गाइस, और यहाँ का बताऊँ इतनी स्टिप चढ़ाई करनी है, और ये सेकेंड उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद बस ख़त्म हो जाता है। और दिस इज़ कॉल्ड गबाला वाटरफॉल, ये देखिए। तो लुक लाइक दिस दोस्तों, ये यहाँ पर ऐसा स्लोप है और थोड़ा, हाँ पता चले आप गिर जाएं, तो इस तरह का ये स्लोप आता है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा अगर आपको टॉप फाउंटेन तक जाना है। तो चलिए हम नीचे उतरते हैं फिर मिलते हैं आप। लुक एट गाइस, ये रहा वाटरफॉल, और इसके सराउंडिंग ग्रीनरी देखिए,
माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे इतनी सुंदर बर्ड्स की आवाज आ रही है ना, ब्यूटीफुल। मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, ग्रीनरी देखिए जरा, ग्रीनरी में कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरे को किसी बर्ड की बहुत सुंदर सुरीली आवाज आ रही है। आपको आई जी? कह लीजिए, जितनी सुंदरता हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, मतलब ये ग्रीनरी मैं जितनी दफे देख रही हूँ, फोटो खिंचवा रही हूँ, मतलब रुका नहीं जा रहा है कि कैसे अपने को कंट्रोल किया जाए। इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये कि यहाँ ही नहीं, पूरी कंट्री में ऐसे आपको ग्रीनरी मिलेगी। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना सुंदर। अभी हम आ रहे हैं एक छोटे से विलेज में। वाह, क्योंकि हमको उन्होंने ऑप्शन दिया था फॉर शूटिंग का, तो हमें शूटिंग पसंद नहीं आया। हमने कहा हमें शूटिंग नहीं करना है, तो हमें जब तीर चलाना, बंदूक चलाना नहीं आता तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है। तो हमने कहा हमें गांव दिखाओ यहाँ का। तो ये देखिए सामने, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, ये देखिए कितना सुंदर। ओ वाह, ये देखिए तो, और ऊपर बादल भी आ रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। सो ये एक छोटा सा गांव है, हमने बस यहाँ पर चाय पी और इसका थोड़ा लिफ्ट उठाया, तो ये ऐसा लग रहा है कि लोकल्स का घर है और उन्होंने इस टाइप का ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है। और बस ये अपनी चाय बेचकर, गॉसिप करके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, सो ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लग रहा है। अभी बन रहा है ये मेरे ख्याल से, या फिर प्लास्टिक लगा के, विंड बहुत होता है तो यहाँ पर विंडी बहुत है, इसीलिए हर चीज़ कवर की जाती है। देखिए मैं दिखाऊँ, इनकी काटल बड़ी फेमस है, तो ये इन्होंने गमले में काटल टांग रखी है। इस वीडियो का हम इस खूबसूरत वैली को करते टाटा बाय बाय। बुग्याल, बादल, पहाड़, सुंदर सी वैली, गांव। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर डिनर करने आए थे। और ये देखिए पूरा ये फिश नीचे आपको दिख रही होंगी, हर तरीके की फिश ये इन लोगों ने पाल रखी है। और यहाँ पर ये लोग इसी को पकड़ कर, आप जो कहोगे वो फिश आपको खिलाएंगे। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस। वाओ, आई लाइक इट, बट फिश खाने का मन नहीं है और पता नहीं फिश का टेस्ट कैसा हो यहाँ पर। एंड दिस वन, लुक एट, इसमें इतने सारे लॉक्स भी लगा रहे हैं। लव। इनके सिर्फ तीन बंदर हैं। ये देखिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ एंड करते हैं। आज गवाला का टूर आपको आई होप अच्छा लगा होगा, हमें तो खूब इंजॉय किया।
और अगर जो चीज़ आपको कट करनी है उसकी जगह कुछ आप नया कुछ भी कर सकते हो। सो उसके हिसाब से आप अपने टूरी गाइड को बता दो तो वो कन्वर्ट कर देता है। सो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये बाकू और गवाला का टूर पसंद आया होगा। कल कंटिन्यू मेरी वीडियो को वॉच करिए क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि कैसे करना है, क्या करना है। सो चलिए इस वीडियो को हैंग करते हैं। अब जस्ट अंधेरा होने वाला है, 6 बज रहा है, आई थिंक 5:30-6 बज रहा होगा। हाँ सो बस अब हम डिनर करेंगे और जाकर अपना थोड़ा रिलैक्स होटल में सोना और टर्किश हमाम भी हमारे होटल में है तो हम उसका लुफ्त उठाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं हमेशा भूल जाती हूँ आपको कहना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक इट। बाय गाइज़।